कल एक इंटेलेक्चुअल और उम्र के हिसाब से एक वयस्क महिला थी, तो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राम जी ने जो सीता जी के साथ किया ना, वो एकदम सही था, क्योंकि वो एक राजा थे और उन्हें उन्हें दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित करना। ऐसे लोगों से निपटने के लिए ना मार्क ट्वेन ने एक लाइन कही है, नेवर आर्ग्यू विद स्टूपिड पीपल, दे विल ड्रैग यू डाउन टू योर लेवल एंड बीट यू विद एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने भी अपना सर हिला और वहां से उठ जाना बेहतर समझा। हाँ, लेकिन साली मेरे भी दिमाग में ख्यालों की आंधी जरूर चलने लगी थी, मन विचलित मेरा भी हुआ था, और हो भी क्यों ना, इन सभी महिलाओं, पत्नियों, बेटियों और तो इन सब की कहानी यही रामायण से ही तो शुरू होती है। अहिल्या से लेके सीता तक की हर एक कहानी में महिलाओं के अधिकारों को हर एक स्तर पर कुचल देते हैं वाल्मीकि, इतने एंटी प्रोग्रेसिव। अरे चलो, राम जी ने जो सीता जी के साथ किया वो दुनियादारी के नाम पे की जाने वाली कई समझदारियों में से एक था, पर सीता जी ने जो किया वो आत्मसमर्पण, क्यों, किस बात का? अरे क्यों आपको अपने को पवित्र साबित करने की जरूरत है जब आपका अपना पति, आपका परिवार और पूरा संसार जानता है कि आप पवित्र हैं? अरे क्यों क्यों रावण तक को आपका तेज दिख जाता है लेकिन लेकिन पुरुषोत्तम को नहीं? अरे क्यों नहीं उस दिन जब युद्ध के मैदान में राम जी ने आपसे अग्नि परीक्षा का आग्रह किया तो आपने विद्रोह कर दिया? क्यों नहीं आपने भी उनसे प्रश्न किया कि पिछले कुछ महीनों में आप भी पवित्र रहे या नहीं, मुझे भी इस चीज का सबूत चाहिए। और ये बस एक बार की बात नहीं थी, अगली बार भी आपने क्या किया, बागी बनने के बजाय आत्मसमर्पण को उचित समझा। क्यों? अरे फिर वही होता है क्या उसी दर्रे पर, मर्द मजबूत होता है क्या पुरुषोत्तम को आदर्श मानकर और औरतें कमजोर होती हैं सीता जी को आदर्श मानकर? और फिर सालों बाद कुंती ने कमजोरी दिखाई, एक बार फिर दुनियादारी के नाम पर विद्रोह दम तोड़ गया। अरे वो तो भला हुआ कर्ण का, जो इतना प्रतिभावान निकला कि दुनिया के पटल पे भी कुंती को अपनी मां कहने का साहस कर पाया। और कुंती जो एक राजमाता थी, उन्होंने जिंदगी भर अपने बेटे को तड़पने दिया क्योंकि उनमें साहस नहीं था। चलो आज की बात करते हैं। आपको शिकायत है कि आपको अधिकार नहीं, मर्दों ने आपके पीरियड से लेके आपकी शादी तक, आपके करियर से लेके आपकी सुरक्षा तक बेड़ियां लगा रखी। अरे तो आप सही तो हैं लेकिन कमजोर भी। अरे क्यों नहीं आप सब मिलकर ठान लेती कि एक रुपया भी दहेज नहीं देंगी, चाहे पूरी जिंदगी कमारा क्यों ना रहना पड़ जाए? अरे आपको एक हमसफर चाहिए, हमसफर जो आपके हाथ में हाथ डाल के आपके साथ जिंदगी भर चल सके, ना कि कोई सहारा। यकीन मानिए आप ये सफर आसानी से अकेले तय कर सकती हैं। अरे क्यों नहीं आप उन गूरती आंखों को घूंसा लगा देती, क्यों नहीं आप उन हाथों की उंगलियों को मरोड़ देती जो बस में, ट्रेन में आपको ग्रॉप करती हैं? यकीन मानिए हर एक बार जो आप आगे बढ़ जाती है ना, इन उंगलियों को ताकत मिल जाती है। और क्यों, आखिर क्यों आप ये कमजोरी का चोगा उतार कर जो मांग रही हैं, आग्रह कर रही हैं, उसे आप छीन क्यों नहीं लेती? अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त से बातचीत हो रही थी तो उसने बताया कि उसे अष्टमी की पूजा करनी थी, ओके, और उन्हीं दौरान उसको पीरियड्स आने वाले थे, इसलिए ना उसने पीरियड्स डिले करने वाली दवाई खाली बताई, सीरियसली। और उसके बाद जो उसकी तबीयत खराब हुई, और यहां मैं फिर एक प्रोग्रेसिव लड़की की बात कर रहा हूं, अरे आप चांद पर पहुंच गई हैं, चांद पर, फिर भी आपको अपने बदन की शुद्धि पर शक है, और वो भी उस भगवान के पास जाने में जिसने आपको और हमको बनाया। अरे माँ तो अपनी संतान को हर सुख और दुख में, हर साफ और गंदे में स्वीकार करती है ना। किसी ने मुझसे कहा कि गालियां माँ बहनों के नाम पे इसलिए बनी है क्योंकि हम उनकी इज्जत, अरे इज्जत नहीं चाहिए भाई साहब, उनको अधिकार चाहिए, अधिकार, और वो तो ये लेने से नहीं, इसलिए आप इज्जत ही दे दो।
इसलिए पति अपनी पत्नी को मारता है, इसलिए इसलिए बाप अपनी बेटी से बिना पूछे बस कुछ पैसों के साथ पराए लड़के को सौंप देता है। ये लॉजिक है ना तुम लोगों? खैर वैसे दुनियादारी का कभी कुछ किसी लॉजिक से लेना देना रहा भी था क्या? आप हमें 9 महीने अपने साथ लेकर घूमती रही, आपने हमें जन्म दिया, आपने हमें पहला भोजन दिया, आपने इस क्योस में हमें स्टेबिलिटी दी, लेकिन फिर भी आप ही हाशिए पे क्यों? कुछ तो गलती हुई होगी, चलिए शायद आपकी कमजोरी। अरे ये दुनिया मजबूतों की दुनिया है। जब तक आपको यहां पर ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय जैसे महान लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी ना, आप कभी मर्दों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया जयललिता को याद रखेगी, जिसको एक बार विधानसभा में अपमानित किया गया तो अगली बार मुख्यमंत्री बनकर लौटी। ये दुनिया उन औरतों को याद रखेगा जिन्होंने मर्दों के इस रेगिस्तान में भी औरतों के लिए छांव तैयार की। अरे इतिहास गवा रहा है कि मजबूतों के पैरों तले कमजोर हमेशा कुचला ही गया है। इसलिए बस इतना सा कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले लें और ये मासूमियत को आप अपने चेहरे से हटाइए और किसी से मांगना या उम्मीद करना तो बंद कर दीजिए। अब बस लेने की बारी है, छीन कर झपट कर।